हेलो दोस्त, इंडियन रेलवे एम्प्लाई और पेंशनर दोनों के लिए न्यू हेल्थ केयर पॉलिसी में ही हॉस्पिटल का बहुत सारा नियम आसान कर दिया गया है। साथ में आपको 2 दिन से न्यूज मिला होगा, EUMID कार्ड, यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड का बेनिफिट का दायरा एम्स और बहुत सारे हॉस्पिटलों में आप जो नॉमिनेटेड हैं वहाँ पर फ्री में इलाज कर सकते हैं। रेलवे हॉस्पिटल में तो आज तक कराते आए थे लोग, लेकिन रेलवे हॉस्पिटल के बाहर पे करना पड़ता था और बहुत सारी इशू होती थी, अप्रूवल वगैरह का, बाद में पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सारा इशू आता था। लेकिन आजकल धीरे धीरे यूनिक जिनके पास बना हुआ है EUMID, उनके लिए बेनिफिट हो गया है। तो दोनों न्यूज गुड है, जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं उनके लिए या फ्यूचर में जॉब करने वाले हैं। देखिए, रेलवे में जितनी सैलरी मिलती है उतने में तो बहुत लोग अपने जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कोई भी में। कई सारे आपको हमारे यहाँ DMRC या और जगहों पे अच्छे मेडिकल फैसिलिटी है, कई जगह तो आप देखेंगे कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल नॉमिनेटेड होते हैं। रेलवे में तो बहुत पुराना संस्था है, रेलवे की अपनी हॉस्पिटल हुआ करती है, लेकिन कई बार हर चीज़ का इलाज रेलवे हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है, और कई बार लोगों को शिकायत भी रहती है कि हॉस्पिटल में कराते हैं तो ये पूरा नहीं होता है। तो क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं। मोटा मोटा 2-4 दिन पहले का एक नोटिस आया है, उस नोटिस को पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले EUMID के बारे में तो बाद में आप लोग जानते ही हैं, उसका बेनिफिट अभी दायरा बढ़ा दिया गया है। तो 27-28 के आसपास से न्यूज पब्लिश हुआ है, जिसमें हेल्थ केयर सर्विस के लिए इंस्ट्रक्शन जारी हो गया है रेलवे का, हेल्थ केयर सर्विस के नाम से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, जिसमें आप जानेंगे कि क्या क्या किया गया है। जिसमें बोला गया है कि इन्हेंस पेशेंट सेटिस्फैक्शन, यानी जो पेशेंट यहाँ बोला गया है, हालांकि इम्प्लाई ही होंगे, पेशेंट भी इम्प्लाई या इम्प्लाई के फैमिली होंगे, उनके लिए सेटिस्फाई यानी संतुष्टिजनक सर्विस, आसान से एक्सेबिलिटी और IR हेल्थ सर्विस के द्वारा किया जाए। क्या क्या किया गया है, 10-12 पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आप देख लेंगे, एक में दो में करते करते ये सारा पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप चीज़ें आपको समझ में आएगा। एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है, रजिस्ट्रेशन में कई सारी दिक्कतें आती थी कि मिलता नहीं है, तो दिस OPD टाइमिंग से 30 मिनट पहले जाएंगे, QR कोड पोस्ट OPD रजिस्ट्रेशन अवेलेबल रहेगा, और क्लिनिक वगैरह के लिए, आउटसाइड डिस्प्ले के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारे फैसिलिटी जो ऑनलाइन OPD का होता है वो आपके ऐप में भी मिल जाएगा, 30 मिनट पहले शुरू होगा। तो ऐप आपका डाउनलोड करना पड़ेगा, HMIS वाला, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं एम्प्लाई को मिलती है, सारे चीज़ें वो ऐप के जरिए कर सकते हैं 30 मिनट पहले से। उसके वाला जनरल OPD की टाइमिंग का इन्होंने व्याख्या कर दिया है साफ साफ कि सुबह में 8:30 से 15 तक, मंडे से फ्राइडे तक, और सैटरडे को 8:30 से 13 बजे तक उपलब्ध रहेगा। ये नॉर्मल OPD की बात कर रहा है, आपको और चीज़ें क्या है जिसमें आपको क्या कह रहा है, इमरजेंसी वार्ड वगैरह फैसिलिटी जो है कैजुअलिटी का, वो तो 24/7 पहले भी रहा करता था और अभी भी रहा करेगा। फिर 100% अटेंडेंस है कि नो पेशेंट फिजिकल प्रेजेंट इन OPD फोर डे शैल बी लेफ्ट अनअटेंडेंट, यानी बिना पेशेंट को ख़त्म किए OPD ख़त्म नहीं होगी, सभी का OPD ख़त्म करके ही ख़त्म किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। टेली कंसल्टेंस की भी बात किया गया है HRMS में, जिसमें आपको 15 आवर से 16 आवर तक, मंडे से फ्राइडे, और सैटरडे को 13 से 14 बजे, यानी हॉस्पिटल का OPD बंद हो जाएगा और कोई सजेशन या सलाह लेनी है उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉलोअप और वगैरह वगैरह के लिए आपको हेल्थ यूनिट में मिल जाएगा। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर का पाया था लैपटॉप और CUG कनेक्शन हार्डवेयर वगैरह है उसके रिलेटेड है, क्लिनिक का गाइडलाइन पर गवर्निंग टेली कंसल्टेंट इशू वगैरह वगैरह उसके रिलेटेड है। उसके बाद स्केलेबिलिटी, हॉस्पिटल इंचार्ज शैल बी एलोकेट स्लॉट फॉर ऑल रेलवे डॉक्टर इरेस्पेक्टिव टू ग्रेड अटेंडेंट OPD, मतलब सबके लिए सब टाइप के रस आवर वगैरह वगैरह को करना है। स्पेशल OPD के लिए आपको HRM से लिंक मिल जाएगा, और उसके लिए आपको कंसल्टेंट डे के लिए अलग से होगा टाइमिंग। उसके बाद मेडिकल एडजस्टमेंट और टाइमिंग वाला ये सब भी आपको दे दिया इसी में। उसके अलावा भी देखिएगा तो मेडिसिन
सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि डॉक्टर को दिखा लिए, उन्होंने दवा भी लिख दी है, हालांकि कुछ दवा कम भी मिलती है, कम भी लिखा जाता है वगैरह वगैरह, उनके लिए ओपीडी की काउंटर टाइमिंग क्या होगी ये भी है। तो देखिए सुबह तो रहेगा ही 8:30 से 16 आवर मंडे टू फ्राइडे, और इधर 1 घंटा ज़्यादा रहेगा, यानी जो आपका ओपीडी की टाइमिंग है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग ही रहेगा, जिससे आप 1 घंटा बाद तक के भी डॉक्टर का मेडिसिन ले सकते हैं, दोबारा ना जाना पड़े। उसके बाद लोकल पर्ची मशीन के लिए गाइडलाइंस दे दिया गया 8 से 24 आवर वगैरह के लिए, इमरजेंसी के लिए वो भी है। आपका 3 मंथ ड्यूरेशन, देखिएगा प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल फॉर 3 मंथ ड्यूरेशन शैल बी डिस्पेंस ऑफ पेशेंट विथ दी क्रोनिकल डिजिंग रिक्वायर रेगुलर ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल फॉर 6 मंथ ड्यूरेशन में भी डिस्पेंस फॉर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थ्रू कंसल्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट, यानी पहले 3 महीने तक मिलता था, उसको 6 महीने तक का स्पेशल डिजीज के लिए, जर बुखार के लिए 6 महीने का नहीं, जो क्रिटिकल होता है जैसे किडनी अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें आपका है जिनका कैंसर से रिलेटेड है और बहुत बड़ा इशू रिक्सी डिजीज होती है या फैटल होता है उनके लिए, जो लाइफ लॉन्ग टाइम पे दवा चलती है। ऑथोराइज लोकल केमिकल के लिए बात किया है, उसके बारे में बात किया है। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें है, 24x7 मेडिकल हॉस्पिटल के लिए बारे है, आपका डाटा इंटी ऑपरेटर एचआर हायर नीडफुल, वही उसी में दे दिया गया है कि लोगों को सुविधा हो जो सारा डाटा हेल्थ केयर को अप्लीकेबल कर दे वगैरह वगैरह। फिर नीचे है दूसरा न्यूज जो था यूआईडी वाला, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है। 1 मिनट कहाँ गया जी, यह है, ये पहले से लागू हुआ है, बहुत पहले से है, लेकिन इसकी विस्तार धीरे धीरे किया जा रहा है। कल परसों आपको एक न्यूज मिला होगा इसी के रिगार्डिंग, जिसमें आपका जिनके जिनके पास है यूनिक मेडिकल आईडी कार्ड उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है वो वाला चीज़ें थी। हालांकि इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ था कि कैसे करना है, क्या क्या एप्लीकेबल है, किसके लिए कितना बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ था। लेकिन इसमें एक न्यूज जुड़ गया है कि जैसे अभी पहले जितने जितने हॉस्पिटल है ना, उसमें आपको जाके डायरेक्ट आप जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फ्री में सर्विसेज फैसिलिटी ऑनलाइन वगैरह जो भी है आपको ओपीडी में सब कुछ मिल जाएगा, उसमें आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा नॉमिनेटेड हॉस्पिटल जो जो होंगे। तो मतलब इसका मतलब है कि जो इम्प्लाई है उसमें एम्स या जितने भी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है जो रेलवे ने नॉमिनेट कर दिया कि हॉस्पिटल है, हो सकता है वो प्राइवेट भी हो सकता है वो गवर्नमेंट का भी हो, उसमें आप सर्विस करेंगे तो उसी का न्यूज दोबारा आ रहा है आज से। ये दोनों न्यूज मिला के आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि कुछ अच्छा है कि रेलवे में बेनिफिट हो रही है धीरे धीरे, मेडिकल का विस्तार हो सकता है, इसको कह सकते हैं कि मेडिकल का विस्तार हो रहा है, जिनका बेनिफिट तो एम्प्लॉय को ही मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।